अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्लास सिक्स के लिए जो आज एंट्रेंस की परीक्षा हुई है उसका अभी 12 बजे पेपर जो है ख़त्म होने वाला है। और कुछ देख आप देख सकते हैं कि दूर दराज से आए, पूरे हिंदुस्तान से आए, यहाँ पर गार्जियंस खड़े हैं अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए। और कुछ ही वक्त में जैसे ही पेपर्स ख़त्म होगा और वहाँ पर जो कैंपस का अंदर है वहाँ से उनको बच्चों को रिसीव किया जाएगा। खुश हो गए क्या? पूरे हिंदुस्तान से, खास तौर से पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों से आज कक्षा 6 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जो माता पिताओं की चाहत है कि उनका बच्चा एमयू में परीक्षा दे और वहाँ से कामयाब होकर निकले, वहाँ पर आज दूर दराज से बच्चे आए और ये आप लाइन देख सकते हैं, उनकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। लगभग 1 महीने बाद ये शायद रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होंगे। पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया गया है। मैं आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ। नियम और अनुशासन एमयू का मेन मकसद है और यहाँ पर एक बच्चा जो कि आधा घंटा लेट आया है उसको भी परमिट नहीं किया गया क्योंकि ये खिलाफ है नियम के। इससे पूर्व निर्धारित समय पर सभी छात्रों की लाइन लगाई गई है और उनको प्रवेश दिया गया है। किसी भी बच्चे को समय के बाद एडमिट नहीं किया गया है। आइए हम दिखाते हैं पिक्चर। जी सर, आपका फुल नेम सर? डॉक्टर मोहम्मद फैयाजुद्दीन। जी 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 सर, डॉक्टर हूँ स्कूल में। जी जी, आज टेस्ट चल रहा है 6th क्लास के एडमिशन का। जी, एक्चुअली यूनिवर्सिटी में 3 क्लास में ही एडमिशन होते हैं, पहली क्लास में, 6th में और 9th में। जी जी, बीच के और किसी क्लासेस में एडमिशन नहीं दिए जाते हैं और ये सारे एडमिशन जो है टेस्ट के थ्रू होते हैं। इसके बाद एक इंटरव्यू होता है, जो लोग रिटर्न में क्वालिफाई कर जाते हैं उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद उसमें 1/3 बच्चे करीब सिलेक्ट होते हैं और उनका एडमिशन होता है, वही पढ़ते हैं, उन्हीं को इंटरनल बताया जाता है यहाँ पे। वो इंटरनल कितने स्टूडेंट यहाँ पर होंगे आज जो पार्टिसिपेट? इस सेंटर पे तो 700 कुछ स्टूडेंट हैं, 700 प्लस में हैं। जी जी, और पूरे करीब 9-10 हज़ार के आसपास बच्चे बैठे होंगे और सेंटर्स पे हमारे टोटल सब। कोई अहम इंतजामात जो आपने की हो खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पे? बच्चों के लिए तो इंतज़ाम है ही, गार्जियंस के भी बैठने के लिए आपने देखिए इधर पंडाल है, इतनी जगह, किसी सेंटर्स पे इतना इंतज़ाम करते नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है, बच्चे ठीक से बैठे, हर जगह गाइडेंस के लिए लोग लगाए गए हैं। अभी हमारे बीच थे जो कि अभी स्कूल के प्रोटेक्टर हैं फैयाजुद्दीन साहब, उन्होंने बताया है कि बच्चों के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, गार्जियंस के लिए भी व्यवस्था की गई है। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और उसके लिए व्यापक स्तर से सभी सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। मैं आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ।